सिटी फूड सीक्रेट। आज हम बनाने लगे हैं बेहद मजेदार सा देगी चिकन कौरमा, जिसके लिए हाफ कप ओलकम ने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। दो अदद हमने बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, इनको स्लाइस कर लिया है। अब ये शामिल करेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जी बिल्कुल, प्याज को हमने लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की आग स्लो कर देंगे और इस सारे प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम लोग चिकन ऐड करेंगे। हाफ के जी हमने चिकन ले लिया है। चिकन ऐड करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको आधे मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जी बिल्कुल, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हमने कोरमा मसाला ले लिया, ये ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये जो हमने प्याज फ्राई किया हुआ है, इसके साथ हमने 1 कप दही ले लिया, इन दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। जी बिल्कुल, मसाले के साथ हमने चिकन को 1 मिनट के लिए भून लिया है। दही और प्याज का हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब ये ऐड करेंगे। साथ में इसमें 1 छोटा कप पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठा लेंगे और हमारा चिकन कौरमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे 1 अदद कटी हुई जूलियन हरी मिर्च। हमारा देगी कौरमा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।